मेरे किरदार का नाम है पुष्प, जैसे पुष्पेंद्र नाम है उसको प्यार से पुष्प कहते हैं, जैसे हर एक बड़े नाम का एक छोटा नाम होता है, तो मेरा छोटा नाम है पुष्प। और किरदार ऐसा है कि यार ये बंदा ना भरा बैठा है, ये जीवन में वो पाना चाहता है जो हर रात उसके सपने देखता है पर उसको मिलता नहीं है, आप खुद ही समझ लो क्या है। और वो जुगाड़ लगाता रहता है कि यार, और ये जो मूवी है ना, ये आज से करीब 20 साल पहले की स्टोरी है, जब ना टिंडर था तब ना फेसबुक था और ना बाकी ऐसी साइट्स थी, तो हाँ उस टाइम पे याहू मैसेंजर होता था, अगर आपको याद हो तो, वहाँ पे हम लोगों को भेजते थे ASL प्लीज ए सेक्स लोकेशन, अगर आपको याद हो तो। खैर, तो ये सारी चीज़ें हैं इस बंदे के बारे में जो कि ये लाइफ में वो पाना चाहता है जिसके लिए पैदा हुआ, पर उसको ये नहीं मिल रहा है। साम दाम दंड वेद सब ट्राई कर रहा है पर उसको वो नहीं मिल रहा है। तो इस मूवी के एंड में उसको जो चाहता है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आप मूवी में देख पाएंगे। और मैं और शौर्य एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते थे, हम लोग दिल्ली में साथ में थिएटर किया करते थे, और शौर्य ने जब इस मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे बताया तो मैंने कहा यार बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है एंड आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दिस, एंड हाँ सो आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि मुझे जो पुष्प कैरेक्टर था मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई थॉट कि हाँ यार इस कैरेक्टर में पोटेंशियल है, इस कैरेक्टर में कुछ फनी एलिमेंट है, और हालांकि फनी एलिमेंट पूरी मूवी में है बट इस कैरेक्टर में थोड़े ज़्यादा है, सो आई ऑप्ट फॉर दिस। थैंक यू सो मच।